कुरान कह रहा है ये सबसे पहला हक किसका है, ये पूछना भाई बहनों का। अगर बहन मालदार है उसका भी हक है कि पूछे भाई के बारे में, ये भाई तू 40,000 में तेरी तनख्वाह है, बीवी तीन चार बच्चों के साथ किराए के घर में तू कैसे गुजारा कर रहा है। ये उस गरीब भाई के जिम्मे नहीं है कि वो दूसरे भाई को बताए, बल्कि दूसरे के जिम्मे है कि वो उसके बताए बगैर खुद से पूछे उससे। नहीं पूछता गुनाहगार होगा। एक सोने के निवाले खा रहा है, दूसरे को लिफ्ट ही नहीं कराता। हम तो हैरान होते हैं यार, जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया, खुदा की कसम इससे बड़ी खुशी का कोई मौका नहीं है कि आप अपने बहन भाइयों की कफाला शुरू कर दो। तो ऐसा मजा है इसमें, तो मिठास है इस अमल में, इतना अच्छा लगता है आदमी खर्च करने वाला बने, मजा है इसमें। और कमाल की बात, ये काम कंजूस लोग कर रहे होते तो हैरानगी होती, लेकिन ये काम वो लोग कर रहे हैं जो हज उम्रों पे दबा के पैसा खर्च करते हैं। इतने बड़े बड़े कट्टे लाते हैं कुर्बानी में, ईदी सेंटर में देते हैं पैसा, ट्रस्टों में देते हैं, देना चाहिए, मना नहीं कर रहा मैं आपको। सबसे पहला हक किसका है मेरे भाई? आपके बहन भाइयों का हक है। और अगर अगला मांग ले तो, जैसे नींबू निचोड़ होता है ना, उसने 900 रुपए मांगे तो गिन के 1,000 का नोट दे के 100 रुपए वापस,